बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फूड केमिस्ट्री में जो स्टार्ट के टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, वो हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो डिटेल में हमने पढ़े हैं। और उसके बाद हमने जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वाटर, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने वाटर का इंट्रोडक्शन भी, जो वाटर के फंक्शंस हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आज हम वाटर के टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप जो है वाटर की वो फूड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। वाटर जो है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये अबंडेंटली पाया जाता है तमाम लिविंग थिंग्स में, ठीक है। कई फूड जो हैं वो ऑलमोस्ट 70% वाटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनके अपने वेट का, ठीक है। अनलेस अनटिल कि उनको प्रोसेस ना कर दिया जाए, उनको डिहाइड्रेट ना कर दिया जाए, या और इस तरह का कोई भी प्रोसेसिंग में से उनको गुजारा जाए जिससे फिर उनके वाटर कंटेंट पे इफेक्ट हो, ठीक है। अदरवाइज़ फूड के अंदर जो वाटर की परसेंटेज है नेचुरली वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और वाटर ही की बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फूड जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, उसको भी हम आगे देखते हैं। वाटर जो है, ये तकरीबन दो टाइप के ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है फ्री वाटर, एक होता है बाउंड वाटर। फ्री वाटर जो है, ये वो पानी होता है या वो वाटर होता है दैट कैन एक्सट्रैक्टेड इजीली फ्रॉम फूड बाय स्क्वीजिंग, कटिंग और प्रेसिंग, ठीक है। क्योंकि ऐसे फूड के अंदर जिनमें फ्री वाटर पाया जाता है, इनमें जो फोर्सेज होती हैं ना, जिन्होंने उस वाटर को होल्ड किया होता है फूड के मॉलिक्यूल्स के साथ, ये फिजिकल नेचर के होते हैं, ठीक है। इनको आप आराम से कटिंग के ज़रिए या प्रेसिंग के ज़रिए आप इनको स्क्वीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टोमेटो के अंदर जो पाया जाता है वाटर, वो फ्री नेचर का होता है। ऑरेंज जूस के अंदर आप जैसे टमाटर को काटते हैं तो आप देखते हैं कि साथ ही उनका पानी निकलना शुरू हो जाता है। ऑरेंज को आप हाथ से भी स्क्वीज़ करें तो वो उसका जो जूस है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है फ्री स्टेट में होते हैं, फिजिकल नेचर की फोर्सेस होती हैं इनमें, और ये इजीली केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए अवेलेबल होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज़ के लिए अवेलेबल होते हैं। इस वाटर को आप फ्रीज भी कर सकते हैं या फूड सिस्टम से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, और ये इस टाइप का जो वाटर है, इसको फूड साइंटिस्ट ज़्यादा कंसिड्रेशन में लेते हैं, क्योंकि यही वाटर फिर आगे जाके प्रॉब्लम बनता है जब हम प्रोसेसिंग करते हैं फूड की, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन में ये हर्डल डालता है, तो उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरी टाइप है बाउंड वाटर। वाटर मॉलिक्यूल जब केमिकली बाउंड होते हैं किसी भी फूड के अंदर या प्लांट्स वगैरह के अंदर, और जिनको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस के थ्रू, इसको हम बाउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। बाउंड वाटर जो है, इसमें जो बॉन्डिंग होती है या जो फोर्सेस होते हैं, ये डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इमल्जन्स में देखते हैं, जेल्स वगैरह में, केमिकली बाउंड वाटर में जो केमिकल लिंकेजेस हैं वाटर मॉलिक्यूल के, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट्स हो गया, या वाटर ऑफ हाइड्रेशन। और ऐसा बाउंड वाटर जो ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसको आप इवन के ड्राइंग या फ्रीजिंग के ज़रिए भी आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। बाउंड वाटर जो है, इसमें केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन बहुत ही रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इनमें प्रोसीड नहीं कर पाती, ठीक है। और फूड्स के अंदर 0 से 25% तक जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना वाटर में, वो अनफ्रीजेबल होती है, और ऐसे फूड फिर बड़े स्टेबल होते हैं। प्रोसेसर्स के लिए केमिकली बाउंड वाटर जो है वो इतना कंसर्न नहीं होता जितना कि फिजिकली जो फ्री वाटर होता है, ठीक है। और इसी तरह से उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है जब अगर वाटर कंटेंट जो है वो लो होता जाए। अगर कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैं आपके साथ बाउंड वाटर की शेयर करूं, तो ये वाटर ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्री नहीं होता एज अ सॉल्वेंट एक्ट करने के लिए, जिसमें साल्ट या शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो सकें, ठीक है। तो इसकी ये करेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि आप इस, मतलब हम जो फूड प्रिजर्वेशन में
सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देते हैं या शुगर की ज़्यादा कर देते हैं, और ज़्यादातर फूड को हम प्रिजर्व करते हैं, लाइक पिकल्स वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है, या जैम वगैरह। तो ये वाटर जो है ये वहाँ पे भी वर्क नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर तो ये डिजॉल्व ही नहीं होते। इसके अलावा इसको आप फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लो टेम्परेचर पे। आपने अक्सर घरों में ये चीज़ स्टडी की होगी, ऑब्जर्व किया होगा कि आप फ्रीज़र में जब कोई चीज़ रखते हैं ना, कोई फूड रखते हैं फ्रीजिंग के लिए, तो इनिशियली जो आपको फील होता है कि फूड जो है आपका जमना शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन कंप्लीट उसको फ्रीजिंग में वो टाइम लेता है तकरीबन 2 दिन का 3 दिन का। उसके बाद वो बिल्कुल सख्त हार्ड हो जाता है। ये 2 3 दिन जो लेते हैं ना, तो ये बाउंड वाटर होता है, और जब वो ग्रेजुअली जो टेम्परेचर है रिड्यूस होता जाता है, तब ये जाके कम्प्लीटली फ्रीज होते हैं। इसके अलावा जो केमिकली बाउंड वाटर है, इनका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये वेपर्स तो बन नहीं सकते, केमिकली बाउंड होते हैं। जैसे आम पानी एक होता है, या आम फूड को अगर आप हीट देते हैं तो उसमें से पानी वेपर बन के निकलने लगता है। जो बाउंड वाटर होता है ना फूड के अंदर, वो कभी भी वेपर बन के नहीं निकलता। इस वजह से इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो फ्री वाटर होता है, क्योंकि वो तो मौजूद ही रहता है। जो फ्री वाटर है वो वेपर बन के निकल जाता है, तो डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। जो बाउंड वाटर है आपका, वो चूँकि वेपर बन के नहीं बाहर जा सकता फूड में से, वेपर प्रेशर ही उसका कोई नहीं होता, तो उसकी डेंसिटी फिर ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो स्ट्रक्चरल जो बॉन्डिंग है ना, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्री वाटर। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि जो जैसे आप देखते हैं ना कि डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, सहराओं में जो केक्टस के पौधे होते हैं, या पाइन के जो फ्रीज वगैरह होते हैं, अच्छा ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी खड़े रहे ना, लाइक केक्टस को आप देख लें, अब सहराओं में कितनी एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट होती है, शदीद किस्म की गर्मी या इस तरह का गर्म माहौल होता है, ठीक है, और वहाँ पे जो वेपराइजेशन का अमल है वो भी ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे फिर भी अगर आप देखें ना, तो वहाँ पे केक्टस नहीं, उसके अलावा जितनी भी वहाँ पे वेजिटेशन होती है ज़्यादातर इसी नेचर की होती है। इनके अंदर जो बाउंड वाटर है ये फ्री वाटर की निस्बत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पौधे जो है ये चाहे इनको पानी ना मिले फिर भी ये ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर का जो केमिकली बाउंड वाटर होता है ना, वो उनको अलाइव रखता है। तो ये सबसे बड़ी बात है इनके ऐसे पौधों के सर्वाइवल की, जिनमें बाउंड वाटर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये तो थी टाइप्स वाटर की। वाटर एक्टिविटी क्या चीज़ है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है शेल्फ लाइफ ऑफ फूड पे, ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर एक्टिविटी और इसका शेल्फ लाइफ के ऊपर इफेक्ट, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। कोई भी मसला हो या कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.